अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्टिलाइजर। बेटा, फर्टिलाइजर का मतलब है टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। जब हम कोई सबस्टेंस ऐड करेंगे सॉइल को ताकि इसकी फर्टिलिटी ऐड होगी, दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर हियर इज द केमिकल सबस्टेंस। फर्टिलाइजर हियर इज द केमिकल सबस्टेंस विच इज यूज्ड टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। बेटा, कोई केमिकल सबस्टेंस ऐड करना जिससे सॉयल की जो फर्टिलिटी होती है, केमिकल सबस्टेंस ऐड करना जिससे सॉयल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी, जिससे सॉयल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी, इसी को हम बेटा कहते हैं फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर इज अ सबस्टेंस विच इज यूज्ड टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉयल। अब बेटा बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर, बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर। बेटा, अब आपको समझ आ ही गया होगा बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर या बायो फर्टिलाइजर किसको कहेंगे। बेटा, फर्टिलाइजर का मतलब था अभी केमिकल सबस्टेंस यूज टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अब बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर आर द डिग्रेडेड ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, डिग्रेडेड ऑर्गेनिक मैटर विच इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जब इसको डिग्रेड किया जाएगा, इसके बाद ऐड किया जाएगा सॉइल को, और इससे क्या होगा, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इंक्रीज होगी, दैट इज कॉल्ड एज बायो फर्टिलाइजर। दैट इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिग्रेडेड लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिकम्पोज्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म एडेड टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ऐड किया जाएगा और इससे क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी, दैट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर और बायो फर्टिलाइजर। बट बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। इसको हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। बेटा, पहला है मैन्युअर, मैन्युअर, दूसरा है बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर। बेटा, असली जो हमारा सिलेबस में जो टॉपिक है वो है बायो फर्टिलाइजर। इसके बाद, इससे पहले बेटा हम पढ़ेंगे मैन्युअर। मैन्युअर क्या होता है? मैन्युअर होता है बेटा पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, सेमी आर पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, सेमी आर पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर यूज टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। पार्शियली डिकम्पोज्ड या सेमी डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, इसको हम बेटा बोलते हैं मैन्युअर। डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर या पार्शियली डिकम्पोज, मोस्टली पार्शियली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर हम यहां पे इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मैन्युअर। बेटा मैन्युअर्स आर ऑफ टू टाइप्स, मैन्युअर्स दो तरह के होते हैं। बेटा फर्स्ट है फार्म यार्ड मैन्युअर, फार्म यार्ड मैन्युअर, क्या है, फार्म यार्ड मैन्युअर, फार्म यार्ड मैन्युअर। बेटा फार्म यार्ड मैन्युअर क्या है? दिस फार्म यार्ड मैन्यूवर कंसिस्ट ऑफ द वेस्ट, वेस्ट ऑफ कैटल, वेस्ट ऑफ कैटल। बट आपको पता है कैटल क्या, काउडंग जो होता है, काउडंग, इसमें काउडंग आता है, एग्रीकल्चर वेस्ट या फार्म वेस्ट, वीड, वेजिटेबल वेस्ट, जो भी होता है ये सब आता है किसमें, फार्म यार्ड मैन्यूवर में। दैट ऑल the various wastes, organic wastes like cattle or cow dung, shabash, farm wastes, various जो fallen leaves होते हैं, vegetable wastes होते हैं, which are kept in heaps, इसको हम किसी जगह हम जमा करते हैं, कहीं पे जमा करते हैं। बेटा आप देखते हैं, आप अक्सर गांवों से हो तो आप देखते हो कि ये जो हमारे घर में कौडंग होता है या जो दूसरे वेस्ट होते हैं, हम इसको किसी जगह जमा करते हैं, या जो बाग होते हैं बागों में कहीं पे जमा करते हैं। इट इज देन अलाउड टू डिकम्पोज, और इसमें क्या होता है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजन करते हैं।
जब हम इसको कहीं पर ढेर में रखते हैं, जम्मा थवन कुंजाई एम्पत के आसन गुमुत वारिया काल थवन पात डिकम्पोज होता है, इट गेट इज डिकम्पोज्ड पार्शियली डिकम्पोज्ड, ये कंप्लीट डिकम्पोज नहीं होता है, डिकम्पोज्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से ये डिकम्पोज होता है। इट इज देन एडेड टू द सॉइल, और इसके बाद हम इसको सॉइल में एड करते हैं, अपने फील्ड में एड करते हैं। इससे क्या होता है बेटा, इससे एनहेंस क्रॉप होता है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, और बेटा सॉइल की जो एरिएशन होती है, सॉइल की एरिएशन ज्यादा होती है, दैट इज कॉल्ड एज फार्म यार्ड मैन्यूअर। ये जो फार्म एग्रीकल्चर फार्म जो होता है, इसका जो वेस्ट होता है काउडंग वगैरह जो भी होता है, हम इसको कहीं पे जमा करते हैं और इसको डिकम्पोज होने देते हैं, और डिकम्पोज किससे होता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इसी को कहते हैं फार्म यार्ड मैन्यूअर। सेकंड है कंपोस्ट मैन्यूअर या कंपोजाइट मैन्यूअर, कंपोस्ट मैन्यूअर। ये कंपोस्ट मैन्यूअर भी सेम है, ये क्या इसमें भी बेटा काउडंग होता है, एग्रीकल्चर वेस्ट्स होते हैं, फ्रूट वेस्ट्स होते हैं, वेजिटेबल वेस्ट्स होते हैं, बट दीज वेस्ट्स आर केप्ट इन पिट्स, स्पेशली पिट्स। बेटा इन खतरे छ दो पेवन बनाव खोड़ आसन खान तुम उचन चुत अक्सर, बेटा इसके लिए पिट बनाना पड़ता है, दे आर डिकम्पोज्ड इन पिट्स, स्पेशली डिजाइनड पिट्स आर इन पिट्स, और इस पिट में दिस पिट इज देन कवर्ड विद द मड, और इस पिट को क्या किया जाता है, कवर किया जाता है मड से आफ्टर सम टाइम। शाबाश, इसमें क्या होता है, इसमें डिकम्पोजन होती है, और डिकम्पोजन के बाद बेटा हम इसको एड करते हैं किसमें, अपने फील्ड में, या बेटा इसमें ऐसा भी हम कर सकते हैं, इसमें हम स्पेशली डिजाइनिंग करेंगे। क्या पहले हमने बेटा यहां पे काउडंग काउडंग रखा, इसके ऊपर बेटा हमने मड रखा, इसे अच्छी तरह डिकम्पोजन होगी। इसके बाद बेटा हमने फिर एक और लेयर किसकी ली, काउडंग की ली, काउडंग इसके ऊपर बेटा हमने रखा मड, ऐसे ही बेटा हम इसको कहेंगे काउडंग और इसके ऊपर मड, एंड फाइनली कवर्ड विद द मड, दैट इज ये जो हमने बेटा वेस्ट लिया है, इसको हमने एक पिट में डाला, और इसमें तरतीब वाइज से भी हमने इसको अच्छी तरह से रखा, कैसे हम इसको पहले काउडंग रखेंगे, काउडंग के ऊपर लेयर ऑफ मड रखेंगे, इसके बाद फिर से काउडंग, इस पे लेयर ऑफ मड रखेंगे, और फाइनली इट इज कवर्ड विद द मड, इसको मड से कवर करेंगे। इससे क्या होता है बेटा, इससे अच्छी तरह डिकम्पोजन होती है, अच्छी तरह डिकम्पोजन होती है, और इसके बाद इस जब ये डिकम्पोजन कंप्लीट होगी आफ्टर फ्यू मंथ्स, इसको हम बेटा अपने फील्ड में ऐड करते हैं। यहाँ पे बेटा हमने कहीं पे जमा रखा, ऐसे ही जमा रखा कहीं पे, ये डिकम्पोज हुआ विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन यहाँ इसके लिए जब आप पिट बनाते हो तो दैट इज कॉल्ड एज कंपोस्ट मैन्यूअर, इसको क्या बोलते हैं, कंपोस्ट मैन्यूअर। ये था बेटा हमारा टॉपिक मैन्यूअर, और एक बेटा टर्म आती है इसमें आपने सुना होगा ग्रीन मैन्यूअर, ग्रीन मैन्यूअर, ग्रीन मैन्यूअर। बेटा ग्रीन मैन्यूअर क्या है, ग्रीन मैन्यूअरिंग क्या है, ग्रीन मैन्यूअरिंग क्या सकते हैं जिगरा, ये साथ क्रॉप करो सो व्हेन द क्रॉप इज सोन एंड आफ्टर अटेनिंग सम हाइट व्हेन द प्लांट इज स्टिल ग्रीन एंड यंग। बेटा ये साथ क्रॉप सो कर एम पथ हसा कर अटेन के हाइट अबाउट 5 या 6 सेंटीमीटर हाइट हसा कर अटेन, ये साथ यंग छु, ये साथ ग्रीन छु, इट इज प्लाहड बैक इनटू द सॉइल, अत करो वापस प्लाहिंग। ठीक है, तुम ऐसे अक्सर वो बागन तल त्रावन मटर, ये साथ मटर त्रो यम हसा जवे यु थोड़ा बहुत गई बड़ अस सा कर वापस क्या मलचिन अस त्रो यम वापस सा खूनत एम सत गई प्लांट जमीन तल को इस ये प्लांट छु यो यंग एम साथ अत मज आसन सारी न्यूट्रंट्स सारी एसेंशियल कंपोनेंट्स आसन एमिस मज को सॉइल मिले सारी एसेंशियल कंपोनेंट्स तो छ वन ग्रीन मैन्यूअरिंग। ग्रीन मैन्यूअरिंग इज अ टाइप ऑफ मैन्यूअरिंग इन विच ए क्रॉप इज सोन आइदर लेग्यूमिनस और नॉन लेग्यूमिनस एंड व्हेन द प्लांट ग्रो एंड इज स्टिल यंग एंड ग्रीन इट इज प्लाहड बैक इनटू द सॉइल, इट इज प्लाहड बैक इनटू द सॉइल। बेटा ये प्रैक्टिस इवन इस्तेमाल करना, दिस प्रैक्टिस इज यूज्ड क्यों,
ताकि सॉइल रिटेन करे, टू इंक्रीज द न्यूट्रिएंट क्वांटिटी ऑफ सॉइल, एस्पेशली बेटा इसमें फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है इनको ऐड करने के लिए हम ये प्रैक्टिस करते हैं। क्रॉप करो सो एम पे लिए क्या थोड़ा बोर्ड गैस एम पे हा वायु नीचे फसल कर पे खुद हासिल क्या या कैटल हिंद खुद हासिल कर बल्कि यह वापस करें प्लॉहिंग अतन अम सब सोरे क्रॉप वापस ऐड कर सॉइल दैट इज कॉल्ड एज क्या वन जिगरा दैट इज कॉल्ड एज ग्रीन मैनवरिंग इट इज कॉल्ड एज ग्रीन मैनवरिंग ग्रीन मैनवरिंग इज एज ओल्ड एज एग्रीकल्चर इट सेल्फ दपन यह तीच ओल्ड ये एग्रीकल्चर स्टार्ट गुमत तथ वोत ग्रीन मैनवरिंग कर हेको वह प्लांट्स इस्तेमाल कर ग्रीन मैनवरिंग विगना रेडिएटा मूंग जिसको बोलते हैं मूंग हेको इस्तेमाल कर इम्पॉर्टेंट बरसीम हेको इस्तेमाल कर ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रैनम हॉर्स ग्राम हेको इस्तेमाल कर बेटा लेंटिल मुसुर हेको इस्तेमाल कर हेको नंबर ऑफ क्रॉप्स बीन्स बीन क्रॉप हेको इस्तेमाल कर नंबर ऑफ क्रॉप्स हेको इस्तेमाल कर एज ग्रीन मैनवरिंग को ग्रीन मैनवरिंग गो क्रॉप्स सो कर तो ये सात क्रॉप मोस्टली लिग्यूनस क्रॉप या पी ये सात सो करो आफ्टर अटेनिंग सम हाइट व्हेन इट इज स्टिल यंग एंड ग्रीन ये सात के हाइट अटेन कर बेटा क्या बुक लेखन सिक्स सेंटीमीटर क्या लेखन सेवन अक्सर लेखन आफ्टर अटेनिंग सम हाइट व्हेन इट इज स्टिल यंग एंड ग्रीन ये सात यंग ये सात ग्रीन आो ये सात प्लांट यंग ये सात ग्रीन आमस मे सारी कंपोनेंट्स अम सात क्या करो ना इट इज प्लॉग्ड बैक इनटू द सॉइल यह वापस कर एड सॉइल दैट इज कॉल्ड एज ग्रीन मैनवरिंग अम सी ब्या चीज अम सॉइल पोल्यूशन हेकन गो केमिकल फर्टिलाइजर एड कर तम सब पोल्यूशन गर ये सब कहें पोल्यूशन गा फ्री फ्रॉम पोल्यूशन बेच प्रोडक्शन गा इनक्रीज थैंक्स।